हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है ये सुबह सुबह। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी का आपका एग्जाम होगा आपका मार्च में। यहाँ पर तारीख दी गई है 4, 5 और 10, 11 को। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट सीईटी होगा वो सितंबर अक्टूबर माह में होगा, तो ये अपडेट है। उसके अलावा जो मेन बड़ी अपडेट है, यहाँ पर आपकी जो भर्तियाँ हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जॉब आधारित और दूसरा एसएससी पैटर्न। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस बार परीक्षा का पैटर्न भी बदला जा रहा है और एसएससी की तर्ज पर आके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए मैं बात करने वाला हूँ कैसे। सबसे पहले तो जो आपके जॉब आधारित है उसको डिवाइड किया गया है 70+20+10 में। तो 70 तो आपके जॉब आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए आपके वो 20%, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जो बच गया वो सारा आपका 20 नंबर में क्लियर है। इसके अलावा जिनमें आपके जॉब आधारित नहीं है, जैसे पुलिस हो गया, क्लर्क हो गया, तो उसमें आपका एसएससी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट में पूछे जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंटर पूछता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके जो आपके कॉमन है वो चीज़ें क्लियर है। तो ये आप लोगों को एक बड़ी अपडेट देनी थी। देखिए आप सुन भी लीजिए चेयरमैन साहब की जुबानी, आप क्या बोला है उन्होंने, देखिए। और अब की बार जो एग्जाम होगा उसकी जो जॉब है, जॉब आधारित क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछे जाएंगे। लगभग 70% क्वेश्चन जो है जॉब आधारित पूछे जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जेई सिविल है तो हम जेई इंजीनियरिंग उससे 70% पूछेंगे, 30% हम बाकी चीजें पूछेंगे, जिसमें 10 नंबर का कंप्यूटर जरूरी है और 20 नंबर में हम सारा अवेयरनेस, जीके, हरियाणा की जीके, ये इस तरह की सारी बातें पूछेंगी। तो देखिए उन्होंने बताया है कि 70 आपके होंगे, जैसे जेई सिविल का है तो जेई से संबंधित, जैसे सिविल आपकी ब्रांच हो गई तो उससे आधारित आपके 70% पूछे जाएंगे, 10 आपके कंप्यूटर और बाकी जो 20 बच गए वो सारे उसमें आपके निपटा देंगे। हम एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं, जॉब ओरिएंटल जो वो है सिलेबस, अब की बार हम ज्यादा वह पूछेंगे। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि जैसे क्लर्क है, पुलिस है, वहां तो कोई जॉब ओरिएंटल नहीं है, तो वहां हम एसएससी पैटर्न अपनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस और क्लर्क है वहाँ पर एसएससी पैटर्न अपनाया जाएगा। जो एसएससी कंबाइंड एग्जाम लेती है उस पैटर्न, अब जैसे एसएससी जो लेती है कंबाइंड, उस पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यही आप लोगों को बड़ी एक अपडेट देनी थी, तो उसी पर आधार पर आपकी अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।